सीबीएमसी ईसीए यूनिट टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लेसन 15 प्रॉब्लम 58 अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज प्रूव दैट इंटू 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 माइनस 2 पी साइन थीटा प्लस पी स्क्वेयर डी थीटा इसको 2 पाई बाय 1 माइनस पी स्क्वेयर 0 लेस देन पी लेस देन 1 सॉल्यूशन इंटू 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 माइनस 2 पी साइन थीटा प्लस पी स्क्वेयर डी थीटा सॉल्यूशन इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 माइनस 2 पी साइन थीटा प्लस पी स्क्वेयर डी थीटा गिवन 1 इप्पुडु अकॉर्डिंग टू नोन प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन दट प्रोसीजर टू यू इन लास्ट लेसन पुट जेड इज गुड यू पोर आई थीटा डी जेड इज गुड यू पोर आई थीटा डेरिवेटिव यू पोर आई थीटा इंटू आई डी थीटा आई थीटा थीटा डेरिवेटिव डी थीटा यू पोर आई थीटा मीन जेड सो आई जेड डी थीटा फ्रम दिस डी थीटा इज गुड डी जेड बाई आई जेड जेड इज इक्वल टू यू पोर आई थीटा यूलर फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वन बाय जेड इक्वल वन बाय यू पोर आई थीटा नथिंग बट यू पोर माइनस आई थीटा यूलर फार्मूला सब्ट्रैक्टिंग कॉस थीटा कैंसिल टू आई साइन थीटा जेड स्क्वेयर माइनस वन बाय जेड इज इक्वल टू आई साइन थीटा फ्रम दिस साइन थीटा वैल्यू जेड स्क्वेयर माइनस वन बाय टू आई जेड मॉड जेड इज इक्वल रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा रूट वन दैट इज नथिंग बट यूनिट सर्किल सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन अबोव इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 माइनस 2 पी साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर डी थीटा सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज हियर वी गेट दिस स्टेप सो इंटीग्रल ओवर सी 1 बाय 2 कैंसिल टेकिंग एलसीएम आई जेड माइनस पी जेड स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस पी स्क्वेयर आई जेड बाय आई जेड टू डी जेड बाय आई जेड हियर मॉड जेड इज लेस देन वन मॉड जेड इज नॉट लेस देन वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन यूनिट सर्किल आई जेड कैंसिल इन टोटल ओवर सी वन बाय फैक्टर्स टेकिंग फैक्टर्स सो फैक्टर्स जेड माइनस आईपी इंटू आई माइनस पी जेड डी जेड मार जेड इक्वल दिस से दिस इज वन नाउ योर एफ ऑफ जेड प्रीवियस मॉडल रेसिड्यू थ्योरम मॉडल योर एफ ऑफ जेड इज दिस वन वन बाय जेड माइनस आईपी इंटू आई माइनस पी जेड पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू जीरो वी गेट जेड इज इक्वल टू आई पी जेड इज इक्वल टू आई बाई पी मॉड जेड वन मॉड जेड इज इक्वल वन इज ए सर्किल विथ सेंटर जीरो सी जीरो जीरो एंड रेडियस आर इक्वल वन दिस इज द डायग्राम पी लेस देन वन मीन्स वन बाई पी ग्रेटर देन वन सो आई बाई पी लाइज आउट साइड सर्किल आई पी लाइज इन साइड द सर्किल सो जेड इज इक्वल टू आई पी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू वन जेड इज इक्वल आई बाई पी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन लाइज आउटसाइड आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू वन रेसिड्यू एफ ऑफ आईपी इज इक्वल टू रिजल्ट वन लिमिट जेड टेंस टू आईपी जेड माइनस जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड फार्मूला
जेड टेंस टू आई पी जेड माइनस आई पी इंटू एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंस टू आई पी जेड माइनस आई पी इंटू एफ ऑफ जेड वैल्यू दिस वन जेड माइनस आई पी कैंसिल पुट जेड इज इक्वल आई पी हियर वी गेट वन बाय आई इंटू वन माइनस पी स्क्वेयर बाय रेसिड्यू थियरम इंटू ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू पॉइंट सम ऑफ द रेसिड्यूस टू पाई इंटू वन बाय आई इंटू वन माइनस पी स्क्वेयर टू पाई बाय वन माइनस पी स्क्वेयर फ्रम वन इंटीग्रल जीरो टू टू पाई वन बाय रेसिड्यू थियरम इंटू ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूस सो वी गेट टू पाई बाय वन माइनस पी स्क्वेयर फ्रम वन वी गेट दिस रिलेशन दिस वैल्यू इज नथिंग बट टू पाई बाय वन माइनस पी स्क्वेयर Hence proved. Problem 59. Prove that integral 0 to 2 pi 1 by 1 minus 2 r cos theta plus r square d theta equal to 2 pi by 1 minus r square 0 less than or less than 1. Solution to homework. Here in above problem sin theta is there, here cos theta is there. In above problem p is there, here r is there. Only that difference. Same methodology. But you find cos theta value z plus 1 by z and substituting factorizing factors residues poles same procedure. Problem 60. Apply the calculus of residues. Prove that integral 0 to pi not 2 pi 0 to pi 1 minus 1 by 17 minus 8 cos theta d theta is equal to pi by 15. So you use same methodology, you consider first 0 to 2 pi and do the problem, same methodology. Solution, consider integral 0 to 2 pi 1 by 17 minus 8 cos theta d theta, put z is equal to e power I theta, dz is equal to e power I theta derivative e power I theta I d theta, I z d theta is equal to dz by I z. Z is equal to e power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. 1 by Z is equal to cos theta minus I sin theta. Adding Z plus 1 by Z is equal to I sin theta minus I sin theta cancel 2 cos theta. So from this cos theta equal to Z square plus 1 by 2Z. Mod Z is equal to root over cos square theta plus sin square theta root 1 1. So unit circle. Now 17 minus 8 cos theta. 17 minus 8 into what is your cos theta? Z square plus 1 by 2z. 2 cancel here 4 times. So 17 z minus 4z square minus 4 by z is equal to 17 z minus 4 z square minus 4 factors z minus 4 into 1 minus 4z. Apply factors method or minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, whatever the method factors, check it. Z 16z adding 17z, okay, minus 4z square minus 4 by z, substituting these values in above we get 0 to 2 pi 1 by 17 minus 8 cos theta d theta becomes integral over c 1 by 17 minus 8 cos theta value z minus 4 into 1 minus 4 z by z d theta value dz by iz z cancel common 1 by I into over c z minus 4 into 1 minus 4 z dz here c such that mod z is equal to 1 unit circle. So this is 1, say this is 1. Consider f of z is equal to 1 by z minus 4 into 1 minus 4z.
poles of f of z are given by equating denominator to 0. Z minus 4 equal to 0, 1 minus 4 z is equal to 0, z is equal to 4, z is equal to 1 by 4, mod z is equal to 1 is a circle with center C 0 0 and radius r is equal to 1 and radius r is equal to 1. Diagram x 0 x dash y y dash 1 1 minus 1 minus 1 1 by 4 inside the circle, 4 outside the circle. Z is equal to 4 is a pole of order 1 lies outside the circle. Outside the circle, mod z is equal to 1. Z is equal to 1 by 4 is a pole of order 1 lies inside the circle, mod z is equal to 1. Residue of 1 by 4, f of a formula, limit z tends to a, z minus z, f of z formula, result 1, limit z tends to 1 by 4, z minus 1 by 4, f of z, LCM, 4z minus 1 by 4, this one minus 1 times, minus 1 by, put z is equal to 1 by 4, 4 into 1 by 4, 1, 4 into 4, 16, minus 15, minus 1 by, minus 15, 1 by 15, by residue theorem, into over C f of z dz is equal to 2 pi into sum of the residues. 2 pi into 1 by 15. 2 pi by 15. Now 1 becomes, what is your equation 1? Integral 0 to pi, integral 0 to 2 pi 1 by 17 minus 8 cos theta d theta is equal to 1 by I integral over C 1 by z minus 4 to 1 minus 4z dz 1 by I. What about this value? 2 pi I by 15. So 2 pi by 15. 2 pi by 15. This can be written as 2 into integral 0 to pi 1 by 17 minus 8 cos theta d theta is equal to 2 pi by 15. 2 to cancel. Therefore, integral 0 to pi 1 by 17 minus 8 cos theta d theta is equal to pi by 15. Hence proved. Intermediate formula, look here, if f of 2a minus theta is equal to f of theta, then into 0 to 2a f theta d theta can be written as 2 into 0 to a f of 2a f of theta d theta. F of theta in this problem, f of theta 17 minus 8 cos theta. Here instead of 2a, here 2 pi is there. So instead of 2a here, 2 pi is there. So, f of 2 pi minus theta is equal to 17 minus 8 cos 2 pi minus theta. Cos 2 pi minus theta, cos theta. So, we get same f of theta. So, it is 0 to 2 pi, f theta d theta is equal to 2 into 0 to pi, f theta d theta. So, using that formula here, 2 into half of this pi, we get this one,
2 2 cancel, we get this one, hence proved. Important observation.